उत्तर प्रदेश के बहराइच में गेरुआ नदी में गिरे टाइगर को 5 घंटे की कोशिश के बाद बचा लिया गया। हालांकि इसके लिए वन विभाग की टीम को काफी मुश्किल हुई। रेस्क्यू के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया गया। अब सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू के वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। घटना गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे की है। गिरिजा बैराज घूमने आए लोगों ने टाइगर को नदी में जाते देखा। वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव के कारण कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम की अगुवाई खुद DFO आकाशदीप बाधवन ने की। सबसे पहले गिरिजा बैराज से आ रहे पानी का फ्लो कम कराया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम नाव पर सवार होकर नदी में आगे बढ़ी। नाव पर ही बैठे एक अफसर ने ड्रोन को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ली। ड्रोन से टाइगर पर नजर रखी जा रही थी और नाव पर सवार अफसर और कर्मचारी डंडों से टाइगर को हाका लगा रहे थे। बहाव तेज होने के चलते टाइगर 15 किलोमीटर तक तैरता हुआ लखीमपुर खीरी इलाके में चला गया था। आखिरकार शाम करीब 4 बजे वो किनारे पर पहुंच गया और कतरनिया जंगल की तरफ भाग गया। गेरुआ नदी के किनारे पर कतरनिया जंगल है। ये 551 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अभी 30 टाइगर रहते हैं। गेरुआ नदी नेपाल के कौडियाली नदी से जुड़ी हुई है। गेरुआ नदी बहराइच और लखीमपुर खीरी को अलग करती है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय तेज बारिश हो रही है। वहां के पानी के चलते गेरुआ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बाघ के रेस्क्यू के क्षेत्र में एक ये बहुत ही अविस्मरणीय और अभूतपूर्व घटना हुई है, जिसमें कि हमारी जो टीम है दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कतरनिया घाट पर जी बिहार की टीम आकाश बधावन जी जो हमारे DFO हैं उनके नेतृत्व में ये बहुत ही सफल एक अभियान रहा है। और इसमें न केवल बाघ को बचाने में सफलता मिली है, बल्कि जो विभाग हैं सिंचाई विभाग, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मीडिया, इनका भी आपस में बहुत ही बेहतर समन्वय देखने का अवसर मिला। तो जो हमारी टीम है इन्होंने कल अदम्य साहस का परिचय देते हुए बड़ी ही प्रतिबद्धता से अपना काम अंजाम दिया है। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे और बाघ जो भंवर में फंस रहा था गिरजापुरी बैराज के अंदर, उसको वहां से सकुशल निकलने में हमारी टीम ने मदद की। और मैं कहूंगा कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नाविक हैं, जो हमारे स्थानीय मीडिया बंधु हैं, इन लोगों का भी बहुत ही बेहतर योगदान रहा। जो हमारी सिंचाई विभाग की जो टीम है वहां पे, इन लोगों ने भी तत्काल गेट बंद करके वहां का जो फ्लो है उसको धीमा किया और उससे बाघ को बाहर निकलने में मदद मिली। तो ये बहुत ही एक अलग तरह की घटना है, जिसमें ऐसे तो सभी जानते हैं कि बाघ एक अच्छा तैराक होता है, लेकिन भंवर में फंसने पर किसी के अच्छे तैराक की भी स्थिति जो है खराब होती है। लेकिन उसमें जिस तरीके से लोगों ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई, जिस तरीके से वहां पे लोग पहुंच के तत्काल इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ।